फाइलम क्वाड्रेटा को जब और कैटेगराइज करने का काम करते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे थ्री और सब फाइला जो है वो बना रखा है। अब ये जो सब फाइला है डाटा, यूरो क्वाड्रेटा, सिफेलो क्वाड्रेटा, वर्टिब्राटा तो आप है ही है, यहां से जाने के बाद तो बच्चों को दिक्कत ही नहीं आती। बच्चों को मैं कहती हूँ दो ही तो सीखना है तुमको, एक यूरो क्वाड्रेटा में एक पॉइंट और सिफेलो क्वाड्रेटा में एक पॉइंट, दो एग्जाम्पल इसका, दो एग्जाम्पल इसका। कोई ऐसा बच्चा तो है ही नहीं जो वर्टिब्राटा का एग्जाम्पल नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे बात को समझना है ध्यान से। बच्चे सबसे ज्यादा पजल ये सोच के हो जाते हैं, भाई हमने क्या पढ़ा था, यूरो क्वाड्रेटा सिफेलो क्वाड्रेटा क्या था। ये याद रखना है कि क्वाड्रेटा जो है हमने जब ध्यान से देखा तो कुछ चीजें यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। क्यों कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था सो समझिए यहाँ पे ध्यान से। हमने जब यूरो क्वाड्रेटा को देखा, यूरो क्वाड्रेटा को हमने एनालाइज किया, तो हमने बोला कि भाई तुमको तो उठा के हमने क्वाड्रेटा में डाल दिया, जबकि एक चीज जो है वो तुम्हारे में बहुत ज्यादा मिसलीडिंग है। क्या कि इसमें हमने तो अभी भी पॉइंट लिखा ना कि क्वाड्रेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, लेकिन जब इसको हमने देखा तो हमने बोला भाई तुम्हारे पास जो नोटोकॉर्ड है वो तो सिर्फ तुम्हारे लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है, बस इसकी स्टोरी ओवर। तो यूरो क्वाड्रेटा में क्या है, जो इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ इसके लार्वल टेल में प्रेजेंट होगा, एक ही पॉइंट ही है बस और कुछ नहीं है। इसके नोटोकॉर्ड कब कहाँ कितने वक्त के लिए प्रेजेंट होगा, बस यही इन तीनों को डिफरेंशिएट करने का काम करता है। तो हमने बोला कि इन केस ऑफ यूरो क्वाड्रेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, बस खत्म। फिर उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं सिफेलो, देखिए सिफेलो वर्ड जहां आएगा ना तो वो ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, हेड के पोर्शन को, तो सिफेलो क्वाड्रेटा इसे भी पकड़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बच्चे कहते हैं मैम हम यूरो क्वाड्रेटा और सिफेलो क्वाड्रेटा में कंफ्यूज कर जाते हैं। बच्चों को मैं कहती हूँ कि एक बात बताओ, सिफेलाइजेशन जब बोन फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है उसको सिफेलाइजेशन बोला जाता है। बच्चों को मैं कहती हूँ एक बात बताओ, सिफेलो का मतलब अगर याद है कि ब्रेन है तो इतना तो जरूर याद होगा ना कि यहाँ पे हेड टू टेल रीजन तक जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होगा, जिसके केस में सिफेलोकॉर्डाटा है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, और इसकी पूरी लाइफ में प्रेजेंट होगा सिफेलोकॉर्डाटा। मतलब यहाँ भी हमने क्या किया, इनको रोल नंबर किससे असाइन करके रखा है, कौन पहले आया, कौन उसके बाद आया, कौन उसके बाद आया, कि कौन थोड़ा सा बैक कैटेगरी का है, कौन उससे एडवांस और कौन उससे एडवांस, ठीक है। तो ये जो है, हाँ एक इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे एज इट इज, जैसे है वैसे ही आपको नोटबुक में नोट कर लेना। अभी फिलहाल टाइम सेव करने के लिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए हो गया ये। इसका बोलने का मतलब है अब हमें वन बाय वन करके तीनों में अभी फिलहाल, अब आगे चैप्टर क्या बचा है, आगे जो पूरा चैप्टर है वो तो वर्टिब्राटा बचा है, ये तो मुझे बोलने की बात ही नहीं है। यूरो क्वाड्रेटा और सिफेलो क्वाड्रेटा का सफर बस इतना ही है जितना मैं अभी आपको जो भी 5 मिनट के अंदर बताऊंगी ना, बस यही 5 मिनट यूरो क्वाड्रेटा और सिफेलो क्वाड्रेटा आपके चैप्टर में है, बाकी आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है, ठीक है। वर्टिब्राटा आपको डिटेल में करना है, तो हम लोग अब यूरो क्वाड्रेटा करेंगे। यूरो क्वाड्रेटा सिफेलो क्वाड्रेटा लास्ट में हमारे पास है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट्स तो खराब ही है, इसके बाद तो लिखने में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती बच्चों। अब मैंने आपको कौन सी बात बताई,
यूरो क्वाड्राटा के लिए इन यूरो क्वाड्राटा स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं, थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई इसमें कि इसका जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, बस यही है फिनिश। अब इसका ठीक अगर ओपोजिट करें तो मैंने बोला यहाँ पे नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, ठीक है। इसका देखिए ओपोजिट करना है, इसमें लार्वल टेल है तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, अब इसको हटाना पड़ेगा भाई, अलग है तो कुछ तो डिफरेंस है, ठीक है। फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, ये बात मैं बोल रही थी तब से आपको, ये दोनों में क्या हो गया, मेजर डिफरेंस हो गया ये, ठीक है। और इसमें तो खैर वर्टिब्राटा में तो बोलने की बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, क्योंकि हम लोग नोटोकॉर्ड जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर उसकी बात कर रहे हैं। नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड, ये मेरे ख्याल से ना नोटोकॉर्ड के आधार पे हम कैसे इसको कैटेगराइज कर रहे हैं, इतनी बात जरूर आई होगी आपके दिमाग में, ये हो गया। दूसरा जब हम लोग यहाँ पे डिफरेंस करते हैं तो दूसरा कोई खास डिफरेंस तो है ही नहीं, बाकी जो आपको इसको सेपरेट करने का काम करता है वो कौन करेगा, इनका एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स आर, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, एक सबसे बड़ा रीजन यही है। यूरो क्वाड्राटा में अगर आपको पढ़ना है, ऐसे ही दिया है, देन साल्पा, और एक और आपके पास एग्जाम्पल है डोलियोलम, यहाँ हो गई। सिफेलो क्वाड्राटा में ब्रैंकियोस्टोमा, इसको हम लोग एम्फीएक्शियस भी कहते हैं, एम्फीएक्शियस और लैंसलेट, ये आपका सिफेलोकोडाटा। और वर्टिब्राटा में तो बोलना ही क्या, इसमें तो आप काउंटलेस एग्जांपल्स लिख सकते हैं। बोलने का क्या मतलब है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको फिशेस पढ़ना है, एम्फीबियंस पढ़ना है, याद आ रहा होगा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एंड मैमल्स,
अच्छा खासा टेबल भी बन गया आपका, डिफरेंस भी हो गया, और कम टाइम में तीनों का तीनों आपको क्रिस्टल क्लियर भी हो गया। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। मैंने अभी अभी आपको बोला यूरो कॉर्ड डाटा और सिफेलो कॉर्ड डाटा का सफर यहीं तक था, बस आगे आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। इतना आपको याद है, इसकी एग्जांपल्स याद है, इनके बीच में डिफरेंस याद है, तो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, अब जो पूरा चैप्टर आपका बचा है, पूरा मतलब हमने 80% एरिया जो है वो कवर कर लिया इस चैप्टर का, 20% बस रिमेनिंग रह गया। मतलब हमें सिर्फ वर्टिब्रेट्स जो है वही पढ़ना है। तो वर्टिब्रेट्स के फीचर्स अब हमें लिखने पड़ेंगे कि वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन कौन से फीचर है, तो इसको भी लिखना बहुत आसान है। एक चीज देखिए, अब हमें लिखना है फीचर ऑफ वर्टिब्राटा, तो मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप वर्टिब्राटा का फीचर लिख रहे हैं तो सबसे पहली चीज ये, अभी जैसे मैंने आपको ये पेज लिखा है, ये सेम टू सेम फोटोकॉपी होगा या नहीं होगा, पहले ये मुझे एक चीज देख के बताइए। अगर मैं वर्टिब्रेट्स का फीचर लिखूं तो ये सारे पॉइंट्स होंगे या नहीं होंगे? सारे सेम पॉइंट, हाँ ये सब का सब सेम होगा। पता है हम लोग सिर्फ चेंज क्या करेंगे वर्टिब्रेट्स में, जैसे कॉर्डेट्स हैं, मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से। ठीक है, अब मैं ऐसे हवा में बोलूंगी तो आपको समझ आएगा नहीं, मैं ऐसे बताती हूँ। अब देखिए, मैंने वहां पे नोटोकॉर्ड लिखा था ना, मैंने हटाया क्यों, रीजन क्या है उसका? जो वर्टिब्रेट्स है ठीक है, उसमें नोटोकॉर्ड को आखिर कुछ तो रिप्लेस करेगा ना, तो इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, इसमें कार्टिलेजिनस क्या तैयार हो जाता है, इसके पास कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा उसमें। इनवर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, ये पहचान है इसकी, वर्टिब्रल कॉलम। ये तो ठीक है, बिल्कुल सही। हार्ट इज प्रेजेंट इन वेंट्रल साइड, बिल्कुल सही बात है, वेंट्रल साइड में ही होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन डोर्सल साइड, सिंगल एंड हॉलो, एज इट इज जैसे वैसी रहे। बोलने का मतलब हुआ कि वी कैन से दैट ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, एक स्टेटमेंट आता है यहाँ से। ठीक है, तो बोलने का मतलब हुआ कि जितने भी आपको क्या देखने को मिलते हैं वर्टिब्रेट्स, क्योंकि अब एक बात बताइए ना, ये तो वही बात हो गई जैसे मैं आपको बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको सिखाया था ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, क्योंकि अभी अभी जो तुरंत मैंने आपको इसको क्लासिफाई करके बताया है, आ गया वो पेज, हाँ ये रहा। तो अब मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगी कि आप कोर डाटा को वर्टिब्राटा के अंदर पढ़ रहे हैं, नहीं, वर्टिब्राटा को आप क्या कर रहे हैं, कोर डाटा के अंदर आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं वर्टिब्राटा। ठीक है, तो ये हो गया पहली बात। नेक्स्ट, सेकेंड वाला जो पेज है उसमें तो बिल्कुल कॉपीराइटेड एज इट इज, जो पॉइंट्स है वो कॉपी होंगे, कहीं कोई चेंज है ही नहीं। जो मैंने सेकेंड पेज इसका बना रखा था, इसकी बात मैं कर रही हूँ।
ये तो वर्टिब्रेट्स में एज इट इज जैसे है वैसे ही होगा, कहीं कोई चेंज ही नहीं है। आप इसको अगर ध्यान से एनालाइज करेंगे तो ये एज इट इज होगा। ये वर्टिब्राटा लिख रखा है आपने, वर्टिब्राटा या वर्टिब्रेट्स जो भी बोलना है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं बोलना भूल गई थी, ये अगर आपने डन कर लिया हो, नेक्स्ट वाले पेज में कोई चेंज नहीं है, कहीं कुछ चेंज आप कर ही नहीं सकते, ये बिल्कुल एज इट इज। देखिए अब इसमें से सब चेक कर लीजिए सब जो है बस। हाँ यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है ना इसको वर्टिब्रेट्स कर देना, वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स की भी पहचान है, उनके पास भी क्या होता है पोस्टर्नल टेल जो है वो प्रेजेंट। यहां तक क्लियर है बिल्कुल? यस मैम, यस मैम।